कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर निर्मम हत्या से पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। पूर्णिया के जीएमसीएच के डॉक्टरों ने भी ओपीडी में कार्य स्थगित कर दिया है, जिस कारण बड़ी संख्या में दूर दराज से डॉक्टर को दिखाने आए मरीज काफी परेशान नजर आए। वहीं डॉक्टरों ने मांग किया है कि इस घटना की सीबीआई जांच कर दोषियों को शीघ्र फांसी की सजा मिले। उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही क्रूर घटना है और जिस तरह डॉक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई है और उसके बाद वहां के अस्पताल प्रबंधन ने इसे छुपाने का प्रयास किया, इसकी जांच होनी चाहिए और इसको सुसाइड का रूप दिया जा रहा है, जबकि यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। सर, हमारे उन आंदोलन का मेन उद्देश्य ये है कि पहला बात तो उनको न्याय मिले जो जो डॉक्टर की हत्या हुई है और जिसको सुसाइड बनाने की कोशिश की गई थी प्रशासन के द्वारा। और अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं तो सेम चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है ताकि सारे एविडेंस वाइप आउट कर दिए जाएं। आज सुबह सीबीआई को 10 AM में हैंडओवर हुआ है केस, उससे पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया सेम प्लेस पे जहां ये इंसिडेंट हुआ है। तो आज और जिस प्रिंसिपल के अंडर ये सारी घटना हुई है उसको आपने रिलीज कर दिया उनका रेजिग्नेशन लेके, और एक घंटे के अंदर उसको नेशनल मेडिकल कॉलेज का आपने प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि बहुत कुछ हो रहा है जो इस इंसिडेंस को दबाने की कोशिश हो रही है। क्या मांग है आपको? हमारी मांग है पारदर्शी न्याय होना चाहिए।